1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आरके कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमें हमारे लिए मिला है और हमें उस जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए, सही तरीके से जीना चाहिए। लेकिन हम अपना जीवन दूसरों के तरीके से जीते हैं। जैसी दुनिया की भेड़ चाल होती है वैसे हम भी चलने लगते हैं। जैसा दुनिया में चेंज आता है वो अपने अंदर भी हम ले आते हैं। भारतीय सभ्यता है उसको छोड़कर हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन के जैसा जीना चाहते हैं। यही हमारे आगे ना बढ़ पाने में सबसे बड़ा कारण है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फील्ड में टॉप पे रहो तो जीवन आपको अपना अपने अनुसार जीना पड़ेगा। किसी के कहने से, किसी के ना कहने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपका जीवन सच है, सही है, तो जैसा आप जी रहे हो उसको वैसा ही जीते रहो। मैं तो अपने जीवन को कुछ और ही तरीके से जीना पसंद करता हूं और शायद आप लोगों को भी कुछ वैसा ही जीना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जीवन में कुछ चीजें होना चाहिए और कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। तो जीवन में मिलनसारता होना चाहिए लेकिन जीवन में डरपोक होना नहीं होना चाहिए। आज बहुत गंभीर बात यह है कि लोग जो है वो डर का जीवन जी रहे हैं, मिलनसारता का जीवन नहीं जी रहे। अथवा कोई मिलनसारता का जीवन जी रहा है तो डर के साथ जी रहा है। तो मैं तो सोचता हूं कि अपना जीवन जो है वो जियो तो जीव की तरह जीवन जीना चाहिए कि मिलना तो सबसे है लेकिन दबना किसी से नहीं। और जब मौका पड़े और कहीं तुम चल पड़ो तो सब टूट जाए। जब जीव हिलती है, जब जीव हिलती है तो पूरे दांत टूट जाते हैं। लेकिन जीव जब भी चलती है, आप भी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो जीव तो चल रही है लेकिन एक भी दांत से दबती नहीं, लेकिन वो एक ही दांत से मिलना जानती है। ऐसे अपन को जीवन जीना चाहिए जीव की तरह कि मिलना तो सबसे लेकिन दबना किसी से नहीं। क्योंकि दब के जियोगे तो दब के दुनिया दबा के रखेगी। अगर आप दब के जीवन जियोगे दुनिया दबा के रखेगी, और अगर आप खुल के जीवन जियोगे दुनिया आपका सपोर्ट करेगी। दबना नहीं। आज की नीति कह रही है कि सबसे मिलकर रहना, सबसे मिलकर रहना, मगर कभी भी किसी से भी दबकर मत जीना। दबकर जियोगे इसका मतलब डरपोक हो। डरना नहीं, डरने वाला काम नहीं करना। अब हमें तो जीवन जीना है। आप देखो कि जैसे एक आइसक्रीम होती है वैसी अपनी जिंदगी है। आइसक्रीम जैसी अपनी जिंदगी है, थोड़ी देर के लिए है वो, फ्रिज से निकली है, डीप फ्रिज से निकली, फिर खत्म। कितनी देर बाद खत्म? जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी देर में वो खत्म। ऐसी अपनी जिंदगी है, बहुत कम समय के लिए मिली है। पहले का समय था भगवान ऋषभ देव का, बहुत बड़ी बड़ी आयु हुआ करती थी, लंबे समय तक लोग जीते थे। अब बहुत कम समय बचा है और वैसे भी ठीक है, इसे दुख वाले काल में ज्यादा दिन की जिंदगी अच्छी नहीं है। तो अपन को 60-70 साल मिला है तो क्यों ना अपन वो उसको आइसक्रीम की तरह लाइफ को यूज करें। अगर आप टेस्ट नहीं कर पाए तो वेस्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल बहुत कम समय है, अपन को उस कॉम्पैक्ट कम समय में बहुत सारा काम करना है। तो मिलनसार बन के जिए। लोग आपसे जब भी मिले तो जिंदगी भर याद रखे कि इससे मिले थे, क्या व्यक्ति था, क्या व्यक्तित्व था, उससे मिलकर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, मैं बड़ा खुश हूं, उसके मिलने से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आई है, उसके मिलने से हमारे जीवन में सुख बढ़ा है। ऐसी भावना अगर सामने वाले के अंदर आ रही है तो आप मिलनसार है। पानी की तरह जीवन होना चाहिए। जमीन में बहता है तो गड्ढों को भर देता है, वो आकाश से बरसता है तो पेड़ों को मिल जाता है, नदियों को मिल जाता है, सबको मिलता है, वो सबसे घुल मिल जाता है। दूध में मिलाओगे तो, शरबत में मिलाओगे तो, धूल में मिलाओगे तो, अमृत में मिलाओगे तो, पानी सब में मिल जाता है। यहां तक कि पत्थर भी गर्म हो तो पानी वो भी उसके अंदर भी चला जाता है। तो पानी जैसा जीवन, मिलनसार, मिलनसार लेकिन दबना नहीं।
दब के नहीं जीना। दब के जियोगे तो एक बहुत बड़ी हानि है। दब के जीने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिभा कभी बाहर नहीं ला पाता। जो दब के जीता है वो अपनी प्रतिभा कभी सामने नहीं ला पाता। प्रतिभा सामने लाने के लिए आपको खुलना पड़ेगा। क्रिकेट आप सबने देखा होगा, एक अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो बैकफुट में खेलता है, एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो फ्रंट फुट में खेलता है, पैर बाहर निकाल के खेलता है। बॉलर फास्ट है, तुम भी फास्ट प्लेयर बनो। कर्म आपको परेशान कर रहा है, लोग चाहते कि आप दुखी रहो, आप फ्रंट फुट पर खेल के और खुश हो। तो मुझे दुखी देखना चाहते हो, मैं और खुश हूं क्योंकि उसके जीवन में दुख आपकी खुशी से आ रहा है। तो क्यों ना अपन खुश रहे। दुखी रहने से क्या मिलेगा, दुखी रहने से क्या मिलेगा, दुखी रहने से दुखी मिलेगा ना। अपन को अगर अपनी प्रतिभा सामने लाना है तो दबकर नहीं जीना, दबकर नहीं जीना। हमें तो खुल करके जीना है, मिलनसार बन के जीना है। बस अपनी जिंदगी को जीप की तरह बना के रखना, आइसक्रीम की तरह बना के रखना, पानी की तरह बना के रखना। पानी सबसे मिलता है, अपनी चाल में चलता है। आइसक्रीम उतनी देर के लिए मिलती है, फिर उसके बाद पिघल करके वो वापस दूध हो जाती है। और जो जीभ होती है, जीभ ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आपने जीभ को पढ़ लिया तो आपने दुनिया में सारे काम कर लिए। जो जिह्वा होती है आपकी जीभ, दबती किसी से नहीं है, मिलती सबसे है, लेकिन बड़ी लचकदार होती है। इसीलिए जब पैदा होते हैं अपन तो जीभ साथ में होती, दांत नहीं होते, लेकिन जब जाते हैं तब दांत नहीं होते, जिह्वा तब भी होती है। वो कहती है कि जीवन जीव मेरे जैसा, थोड़ा सा विनम्र होके, झुक करके, लचकदार होकर के, अकड़ के जियोगे तो दांतों की तरह टूट के गिर जाओगे। क्योंकि जो नेचुरलिटी है वो हर किसी को पसंद आती है। जिन जिन की शादी हो गई होंगी वो मेरी बात को अच्छे समझ सकते हैं कि जब लड़की देखने गए थे, वो लड़की जिसका चेहरा देखने गए थे जिस दिन, और वो जो शादी में जिसको वरमाला पहना रहे थे, दोनों का चेहरा एक सा नहीं लगता, क्योंकि वह लीपा पोती होती है। बहुत ज्यादा लीपा पोती होती तो आप पहचान नहीं पाते हो कि वही है कि दूसरी। कई बार देखता है आदमी की ये वही है कि दूसरी, और लड़की सोचती है कि कितने अच्छे से देख रहा है। तो दिखावटी जीवन ना जी, मिलनसार जीवन जी। अगर आप मिलनसार हैं तो मेरा मानना है कि जानवर भी आपके प्रति आकर्षित होंगे। और अगर आप डरपोक हैं तो कोई आपके पास रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो स्वयं डरपोक है, स्वयं डर रहा है, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा। अब आपको जीवन जीना है, कैसे जीना है वो आपके हाथ में। हमको तो अपना जीवन जीना आता है, हम कभी किसी दबके चलते नहीं है। निमित सास कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा वो यूं करे और दबाए और ना दबे, मतलब वो है तो अड़ियल लेकिन अपने काम में जिद्दी है, वो अपना काम कर लेगा। बस यही चीज आपको करना है, हमको जिद्दी बनना है। किसके लिए? अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने वर्क के डेडिकेशन के प्रति। जो चीजें गलत है उनके प्रति जिद्दी नहीं बनना। दबके रहोगे तो दुनिया दबा के रखेगी। स्कोर बोर्ड में भले 100 रन हो, 200 रन हो, 300 रन हो, कुछ खिलाड़ी अपना नेचुरल खेल खेलते हैं। उनको पता है हमको तो बाहर निकल के खेलना है, आउट होंगे तो होंगे, हम तो खेल दिखाएंगे। ऐसा जो जीवन जीता है तो अपने जीवन की 100 पारियों में से 90-95 पारियां उसकी शानदार निकलती। और जो दबके खेलता है, डर के खेलता है, सामने वाला उस पर हावी हो जाता है। प्रेशर आपके ऊपर है कि प्रेशर सामने वाले के ऊपर, इसको क्रिएट कौन कर रहा है? इसको क्रिएट हम कर रहे हैं। हम दबते हैं तो हम प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट करते हैं, अगर हम दबते नहीं है तो प्रेशर दुनिया पर, सामने वाले पर, पब्लिक पर क्रिएट होता है। इसलिए डरना नहीं, खुल के जीवन जीना, लेकिन मिलनसारता का जीवन जीना, पानी की तरह रहना, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। बच्चा आए तो बोले हमारा मित्र है, बुजुर्ग आए तो भी बोले कि हमारा मित्र है, ऐसा मिलनसारता का जीवन जीना तो आपका एक व्यक्तित्व बनेगा, और व्यक्तित्व बनेगा तो दुनिया आपकी एक दिन जरूर बनेगी। ऐसा विचार करेंगे, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति का।